ठीक है यार, कंडक्टर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल वगैरह देख लिया था, कंडक्टिंग स्फेयर में पोटेंशियल कितना होता है, बाहर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं वहीं से। ठीक है, उस केस में अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जस्ट आउटसाइड कंडक्टर क्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, मैं उसको कोई भी चार्ज दूंगा तो वो उसके सरफेस पे लाई करेगा। तो ये कंडक्टर है मान लो। ठीक है, तो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके सरफेस पे लाई करेगा, बल्क में लाई नहीं करेगा। और हमने यही जो है देखा था कि एक तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। ओके, अब थोड़ी सी बात इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे और वो देखेंगे कि जस्ट आउटसाइड जो है कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, दैट्स फॉर श्योर, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। बट जस्ट इस कंडक्टर के जस्ट इस पॉइंट पे जो कि जस्ट आउटसाइड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या होगा। उससे पहले हमें क्या पता है कि अगर अपने पास एक पैरेलल शीट है, गॉस लॉ में हमने देखा था पैरेलल शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट शीट है। ओके, मतलब काफ़ी लार्ज शीट है हर डायरेक्शन में। तो उस केस में उससे डिस्टेंस आर पे या उससे कहीं भी इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो इस डायरेक्शन में आती थी, और यहाँ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती थी। ऐसे ही इससे पीछे जो है उस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है। तो कहने का मतलब है, अगर एक शीट है ऐसे जिसका मैं साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ और उस पर चार्ज है, ठीक है, थिन शीट है बिल्कुल, चार्ज की लेयर है, तो उस लेयर के इधर, उस लेयर की वजह से इधर भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पॉजिटिव लेयर है तो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, अब ये क्या है कि ये पॉइंट जो है वो काफ़ी नज़दीक है इस लेयर के सरफेस के। ओके, तो इस ये सरफेस जो है इसके लिए एक चार्ज्ड सरफेस की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सरफेस की तरह। मतलब अगर काफ़ी क्लोज हो जाए तो ये पॉइंट के लिए ये सरफेस जो है वो इनफाइनाइट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, या आप कह सकते हो इस लोकल चार्ज डेंसिटी जो कि इस पॉइंट के पास है, इस डी ए पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी और उसकी वैल्यू मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी कितनी, अब ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं सिर्फ ये देखता, ये पोर्शन अगर मैं कट कर लूँ और इसको अलग से ड्रॉ करूँ, तो अगर ये पोर्शन मैंने कट कर लिया ऐसे, ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी है मुझे पता है सिग्मा है, इसकी वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं। नीचे कितनी होती, इधर होती सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और ऊपर भी होती सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, अगर ये थिन लेयर होती तो सिंपली। लेकिन ये पूरे कंडक्टर का सरफेस है, उसके नीचे जो है वो कंडक्टर है, मतलब नीचे वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है। तो अब इसके दो हिस्से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, एक तो सिर्फ ये पार्ट जो हमने कंसिडर किया और एक इसके अलावा पूरा कंडक्टर। तो अगर उस पूरे कंडक्टर को इधर बनाए तो थोड़ा मैं ड्राइंग छोटी बना लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है और ये कैविटी है, वो सरफेस जो हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अब इस पूरे कंडक्टर की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड पॉइंट पे, अगर ये कैविटी होती तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नीचे जो है वो प्रोड्यूस करती। ओके, इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब अगर ये है तो इसने ये प्रोड्यूस किया और ये प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे नेट जो ज़ीरो हो गया, तो प्रोड्यूस करने से पहले इधर होगी ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो है हम कह रहे हैं कि ये जो है काफ़ी पॉइंट नज़दीक है, इनसाइड और आउटसाइड में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसके इसका मतलब ये है कि बाकी पूरे कंडक्टर की वजह से, है ना, पूरे कंडक्टर की वजह से इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है। तो इनसाइड और आउटसाइड जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन है जस्ट सरफेस के, और इसके लिए भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आउटसाइड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जो है वो इनसाइड है।
तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इनसाइड वाली भी अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इनसाइड तो जो है वो जीरो होगी ई, लेकिन आउटसाइड जो है वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इस छोटे से पोर्शन की वजह से, तो टोटल कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो है वो पोर्शन जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जहाँ पे सिग्मा जो है वो लोकल चार्ज डेंसिटी है जस्ट आउटसाइड कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने प्लेट का एग्जांपल लिया था, अगर मैं वहीं पे एक कंडक्टिंग प्लेट ले लूँ जिसकी थोड़ी सी थिकनेस है, ओके, इस प्लेट के अब दो सरफेसेस हैं, एक यहाँ पे है प्लस चार्ज, ओके, इस सरफेस पे ये इनफाइनाइट है, और एक पीछे सरफेस है इसके, ठीक है। तो है क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी थोड़ी सी थिकनेस है साइड व्यू में, इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस लेयर पे सिग्मा, और इधर भी चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ओके, अब हो क्या रहा है कि ये कंडक्टर के इनसाइड वाला पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। तो इस सिग्मा की वजह से इस वाले, अगर मैं इसको तीन रीजन में जो है वो डिवाइड कर दूँ, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है, ओके। तो अगर फर्स्ट रीजन में देखें तो इस सिग्मा की वजह से ये जो लेयर है इससे ये आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड होगी कितनी सिग्मा बाय टू एप्स नॉट, इस लेयर की वजह से भी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगी आउटवर्ड, है ना, प्लस से बाहर की तरफ, और ये कितनी होगी सिग्मा बाय टू एप्स नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा सिग्मा बाय एप्स नॉट। ऐसे ही इधर इस थर्ड रीजन में इस प्लस की वजह से इधर उस वाले प्लस शीट की वजह से भी उससे अवे होगी, तो उसकी वजह से भी इधर, और सिग्मा बाय टू, सिग्मा बाय टू, तो ये भी सिग्मा बाय एप्स नॉट। लेकिन मिडल वाले रीजन में, अगर मिडल वाले रीजन में देखें तो एक चार्ज डेंसिटी इधर है, एक चार्ज डेंसिटी इधर है, तो इस सरफेस की वजह से जो यहाँ पे होगी इससे अवे होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस शीट की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, और वो भी सिग्मा बाई टू एप्स नॉट, तो नेट क्या हो जाएगी, ई नेट वो हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। तो अंदर जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन की वजह से जो है वो सिग्मा बाई टू एप्स नॉट अंदर बाहर, और बाकी बचे पूरे कंडक्टर की वजह से सिग्मा बाई टू एप्स नॉट बाहर की तरफ, तो इनका जो नेट जो है वो इस अंदर वाले रीजन में ज़ीरो हो गया है, और बाहर जो है वो सिग्मा बाई एप्स नॉट हो गया है मिलके, जैसे इनका जो है अंदर वाले रीजन में ज़ीरो हो गया है, इससे बाहर जो है सिग्मा बाई एप्स नॉट, सिग्मा बाई एप्स नॉट। ओके, तो ये था जस्ट कंडक्टर के सरफेस से बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब जो है इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लो जैसे हमने ये देखा था कि अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर था, है ना, और दो हैं मान लो, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, और दोनों मान लो आपस में कनेक्टेड होते, तो चार्ज इन पे कब तक फ्लो करता, जब तक जो है पोटेंशियल इक्वल ना हो जाता है, नहीं, अगर मान लो कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 है, यहाँ पे जो है चार्ज Q2 है, और हमने कहा था एक भी कंडक्टर जो है एक भी पोटेंशियल सरफेस है, तो अगर ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा, अब ये देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, अगर यहाँ का देखें तो ये KQ/R2 है, या KQ2/R2, और उधर का पोटेंशियल क्या है, KQ1/R1, ठीक है। मतलब ये फील दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट जो है वो आपको पता लग जाएगा, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा जब हम जो है एक अन इवन शेप्ड पे कंडक्टर के जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें कहीं पे शार्प एजेस होंगी, कहीं पे नहीं होंगी, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं पे ज़्यादा होगा, मतलब डेंसिटी जो है कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, और आप हमें पता चलेगा जहाँ पे शार्प एजेस है वहाँ का सिग्मा जो है वो ज़्यादा होगा बजाय दूर के, और उसका रीज़न बस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ये KQ2/R2 = KQ1/R1 यहाँ से देखें तो Q2 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, तो मुझे लिखना चाहिए Q2 जो है सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K4π R2² × σ2, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय R2, और इक्वल टू वो क्या हो जाएगा,
के फोर पाई आर वन स्क्वायर सिग्मा वन डिवाइडेड बाय आर वन। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ रहा है कि सिग्मा टू आर टू जो है वो इक्वल टू होगा सिग्मा वन आर वन। तो सिग्मा वन बाय सिग्मा टू की वैल्यू क्या होगी? तो सिग्मा वन बाय जो सिग्मा टू है वो हो जाएगा आर टू बाय आर वन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वन बाय आर है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का जो सरफेस की जो रेडियस है, ठीक है, तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका सिग्मा जो है वो कम होगा, ये जो है यहाँ से पता चल रहा है। तो यही जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ पे मान लो सिग्मा जो है वो सिग्मा वन है और यहाँ पे जो है वो सिग्मा टू है, तो डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी। तो अगर यहाँ का देखें तो ये शार्प एजिस है, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, तो छोटा सर्कल बनेगा अगर इसको हम कर्व सरफेस पे लें, और इसका सर्कल जो है थोड़ा बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस कर्वेचर ज़्यादा है, इसका जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसकी सिग्मा ज़्यादा होगी, तो मतलब सिग्मा टू जो है वो ग्रेटर होगा सिग्मा वन से, ठीक है। तो जहाँ पे शार्प एजिज होती है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। ओके तो ये यहाँ से जो है वो हम देख सकते हैं, कई बार पता चले क्यों हम जो हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें शार्प एजेस को अवॉइड करते हैं ताकि चार्ज जो है वो लीक ना हो। ओके, तो ये एक पॉइंट था। अब जो है देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि नहीं, क्यों कंडक्टर के की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ में ले सकते हैं। सबसे बेनिफिशियल पार्ट जो होता है वो होता है ये कि जैसे आउटसाइड कंडक्टर हम कहते हैं कि मान लो आपने कोई भी कंडक्टिंग वो ले लिया सरफेस, ओके कंडक्टर ले लिया और उसके अंदर मान लो कैविटी है, और मैंने कहीं भी जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पुट कर दिया, तो यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, जब आप कह सकते हो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो उस केस में यहाँ पे जो है एक माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इधर कुछ प्लस साइड हो जाएगा इकट्ठा, ठीक है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि इसके अंदर, किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो, ठीक है, मतलब इनसाइड बल्क में। तो ये अगर बल्क है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है वो बल्क है, तो बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, दैट्स द होल पॉइंट। तो और अगर ये एम्प्टी है तो उस केस में इसके अंदर वाले सरफेस पे भी चार्ज जो जीरो होगा, ठीक है। तो एम्प्टी है तो मतलब यहाँ पे भी अंदर जो कैविटी में है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज रख दूँ क्यू, और यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज ले आए क्यू प्राइम, तो इस क्यू प्राइम पे इस क्यू की वजह से कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होगी, ये बात समझ आती है, क्योंकि इस क्यू की वजह से अंदर जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसी को हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कंडक्टिंग शेल में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव होता है, तो उस केस में अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास मौजूद भी हो तो वो उसको अफेक्ट नहीं करती अगर वो एक कंडक्टिंग शेल के अंदर रखा है तो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो इस पे थोड़ा और बात करेंगे हम, जैसे कहाँ पे किसकी वजह से फील्ड होती है, किसकी वजह से फील्ड नहीं होती है, ठीक है। अब है क्या, देखो पहले नॉर्मल केस लेते हैं कि हो क्या रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक कंडक्टर लिया, ठीक है, कैविटी वाला ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उस पे चार्ज क्यू दे दिया, इसकी इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस जो है वो आर टू है, इस पे चार्ज मैंने क्यू दे दिया। अब क्यू कहाँ रिजाइड करेगा? अंदर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू जो है सारा सरफेस पे आएगा, ठीक है। अब ये जो है अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, भले ही ये बल्क हो तो उस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ कितना मास है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ चार्ज से डिपेंड करती है कहाँ पे कितना चार्ज रखा है। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाऊँ तो ये सिर्फ इक्विवेलेंट होगा किसके, एक स्फेरिकल शेल लो जिसकी रेडियस जो है वो आर टू है, सिर्फ उस पे जो है चार्ज रखा है कितना क्यू,
तो उस केस में अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ ए, जो कि यहाँ से रेडियस आर पे है, कहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, है कि नहीं? और पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा के क्यू बाय आर, जो इस स्फेरिकल की वजह से होगा। नंबर टू, सरफेस पे बता सकते हैं, दैट्स ओके। अगर मान लो इस पॉइंट पे बताना हो, आर वन और आर टू के बीच में इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई और वी बताना है। ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, तो बी पॉइंट जो वो कहीं है आर वन से बड़ा है, आर टू से छोटा है, तो कहीं यहाँ पे है। तो इस बी पॉइंट पे देखें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई एट बी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, नो डाउट, अंदर है स्फेरिकल शेल के पॉइंट। और वी एट बी क्या होगा? वही जो सरफेस पे होता है, और कितना होता है? के क्यू बाय आर टू। ऐसे ही आप यहाँ पे निकालना चाहो, ये पॉइंट ए ले लो, नहीं वो ए लिया, बी सी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी है जो इनसाइड कैविटी है। अगर कैविटी के अंदर देखें तो कैविटी जो है वो आर वन से कहीं छोटा होगा, तो ये पॉइंट सी होगा। सेम चीज़ें जो हैं सी के लिए जो है वैलिडेट होंगी, ठीक है, वी एट सी। तो पोटेंशियल सी पे उतना ही होगा जितना बी पे है। लेकिन ये बात है, अब देख लेते हैं कि अंदर चार्ज रखा हो तो उससे क्या चीज़ें जो हैं अफेक्ट होंगी, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें जो हैं वो, अगर मान लें अपने पास जो है वो एक स्फेरिकल शेल है, मतलब स्फेयर है, दैट्स ओके, बना नहीं है ढंग से बट स्टिल। तो उस केस में यहाँ पे चार्ज जो है वो मान लें हैं प्लस क्यू है, प्लस क्यू ले लेते हैं, ओके। और बाहर जो है वो क्यू है, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा पहले इसको रहने देते हैं, सिर्फ अंदर रखते हैं एक सिंगल चार्ज की वजह से देखते हैं। अब ये तो बल्क है, ये वाला तो, यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, ओके। तो इसके अंदर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी कंडक्टर के अंदर, तो दैट्स वो कभी जो है वो इनवैलिड नहीं रहेगा। कंडक्टर के अंदर जो है बल्क में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर रेस्ट पे नहीं रह पाएंगे ना, इक्विलिब्रियम में तभी रह पाएंगे जब उन पे नेट फोर्स ज़ीरो, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है वो ज़ीरो कर लेंगे। अब इस क्यू की वजह से, एक प्लस क्यू इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़ीरो है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लूँ, एक गॉसियन सरफेस चूज़ करूँ, तो उसके थ्रू फ्लक्स ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्यू इन भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर फाई ज़ीरो है तो इसका मतलब क्यू इन जो है वो कितना होना चाहिए? ज़ीरो। तो वो क्यू इन क्लोज ज़ीरो होगा कैसे? तो ये प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो किधर टर्मिनेट करेंगी? कनेक्टिंग सरफेस पे, है कि नहीं? यही तो बात है, और परपेंडिकुलर होंगी सरफेस के, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, तो कहाँ टर्मिनेट होंगी? नेगेटिव पे। तो इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू इनर सरफेस पे, ओके। तो इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस क्यू। तो अब ये प्लस और ये माइनस, इस प्लस चार्ज तो रखा है, ये तो रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस चार्ज जो है अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस सरफेस पे, ताकि हर पॉइंट पे यहाँ पे बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? ज़ीरो, है कि नहीं? तो अगर नेट कंडक्टर पे तो नेट चार्ज ज़ीरो था इनिशियली, है कि नहीं? तो फाइनल भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर माइनस चार्ज इनर सरफेस पे, तो बाहर कितना होगा? प्लस क्यू, ओके। और वो यहाँ आ गया होगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ये ऐसे। अब देखो है क्या, अब एक एक करके सारे पॉइंट कंसीडर करते हैं। पहले जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं ये पॉइंट, यहाँ पे हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ ऐसे है, कैसे? ये एक स्फेरिकल शेल है बाहर वाली, ओके। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है? प्लस क्यू है, दैट्स ओके। उसके अंदर एक और स्फेरिकल शेल है जिसपे माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर है इस सरफेस के, दैट्स ओके, दैट्स
मैं शेल सा कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और एक मिडल में रखा है प्लस क्यू, और मुझे निकालना है यहाँ से डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस क्यू की वजह से प्लस माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। रीज़न क्या है कि ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगी तो माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं आर कैप ओके। और इस बाहर वाले प्लस क्यू की वजह से प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो उस केस में ई क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो वही जितना बाहर वाले की वजह से होता है कि नहीं। पोटेंशियल की बात करें तो वी क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो पहले इसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से, तो बाहर वाले से भी सेंटर डिस्टेंस आर है तो ये सिंपली के क्यू बाय आर हो जाएगा, इस माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाय आर, प्लस क्यू की वजह से प्लस के क्यू बाय आर, तो सिंपली क्या हो गया के क्यू बाय आर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, बी पे, इसको बी मान लेते हैं। तो बल्क में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, नो डाउट है कि नहीं, और वो आनी भी चाहिए और आ भी जाएगी, ठीक है। तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई जो बी पे है वो जीरो होगी, और वो सम भी देख सकते हो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कुछ भी मान लो, कंसिडर कर लो आर है, ठीक है ना, बी पॉइंट पे, तो उस केस में प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप डायरेक्शन में, माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये आया कितना, ज़ीरो, और होना भी चाहिए। ओके, बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ये तो पता ही है, ठीक है। अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वी बी पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बी पे पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की और प्लस क्यू की, तो बाहर वाले की वजह से क्या हो जाएगा, तो उसकी रेडियस कितनी है मान लेते हैं, बाहर वाले की कितनी थी, कुछ भी कंसीडर कर लो यार, आउटर रेडियस जो है वो यहाँ से ले लेते हैं ना, ये रेडियस जो है आर वन ले लेते हैं, अंदर वाली आर टू ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी बी क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे, ओके, कहाँ से, इस क्यू की वजह से, तो इस क्यू की के अंदर ये पॉइंट लाई करता है इस सरफेस के, तो ये आर वन है, तो इसकी वजह से होना चाहिए के क्यू बाय आर वन, स्फेरिकल शेल के अंदर है तो जो सरफेस होगा वही बाहर होगा, प्लस इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से होगा के माइनस क्यू, तो इसको माइनस ही लिख लेते हैं, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है, और प्लस की वजह से प्लस के क्यू बाय आर, उसके भी सेंटर से डिस्टेंस आर दूर है, कितना हो गया के क्यू बाय आर वन। ओके, ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ ले सकते हो अंदर, और उस पॉइंट को सी कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको सी कंसीडर कर लो, तो सी की भी डिस्टेंस मान लेते हैं आर है सेंटर से डिस्टेंस, ओके, ये हर उसकी है, मतलब अलग अलग केस में आर अलग अलग, तो मैं आर प्राइम आर तो अलग अलग डिनोशन नोटेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे, ई एट सी लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, बाहर वाले क्यू की वजह से ज़ीरो, माइनस क्यू की वजह से उसके भी शेल के अंदर लाई करता है पॉइंट, तो उसकी वजह से भी ज़ीरो, तो बचेगा किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, और वो क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर चार्ज है ना, अब एम्प्टी नहीं है वो, नंबर दो। अब जो है वी एट सी देख लेते हैं, इस प्लस क्यू की वजह से जो है पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर है, प्लस माइनस क्यू की वजह से क्या है के माइनस क्यू बाय, उसके अंदर लाई करता है तो उसकी रेडियस जो है वो आर टू है, तो के क्यू बाय आर टू, प्लस बाहर वाले की रेडियस जो है वो आर वन है, उसके भी पॉइंट अंदर लाई करता है तो के क्यू बाय आर वन, तो ये जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा सी पॉइंट पे। तो मैं हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, हर पॉइंट पे जो है वो फॉर्मूला
फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको कई बार आप समझ भी सकते हो कि इस सरफेस पे पोटेंशियल है वही बी पे होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ तक आने पे जो वर्क डन किया वो किया है कि नहीं। जब उसके अंदर हम चले गए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। और हमने कहा था कि कंडक्टर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल रीजन है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, आप कंडक्टर के अंदर कहीं भी चले जाएँ। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमने देख ली, वो ये होगी। अब कुछ बातें हैं इसको लेके कि कब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ वाला अफेक्ट होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी कैविटी बड़ी बना लेते हैं आपकी बार, तो क्लियर दिख जाएगा। अब देखो है क्या, मान लेते हैं कि अब इसमें सेंटर पे ना रखूं चार्ज को, इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, यहाँ रख दिया, क्यों? अब यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ठीक है, अंदर का। अब है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो करनी है, दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है, और यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे एक माइनस क्यू इंड्यूस होगा। ठीक है, और वो अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि इस माइनस क्यू की वजह से और इस प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से इस बल्क में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाए। ओके, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये न्यूट्रलाइज कर देगा ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये प्लस क्यू जो है वो इधर है, तो कंडक्टर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जो वो परपेंडिकुलरली जो है वो क्या कहते हैं उसे, परपेंडिकुलर टर्मिनेट होती है कंडक्टिंग सरफेस से, तो ये यहाँ से जो है वो ऐसे जा रही होगी, एक तो ये सीधी 90 डिग्री एंगल पे और ऐसे 90 पे। ठीक है, तो ये ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होंगी और वहाँ पे टर्मिनेट हो रही होंगी। अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन कंडक्टर पे न्यूट्रल जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, तो प्लस क्यू एक बाहर आ गया। अब ये प्लस क्यू क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? एग्जैक्टली होना पड़ेगा इसको, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो नहीं हो पाएगी, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये बाहर वाला प्लस क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंदर में इस चार्ज को इधर से इधर किधर भी शिफ्ट करता रहूँ, उसकी वजह से कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होगा? अंदर वाला, माइनस क्यू वाला। ठीक है, तो इस क्यू की मूवमेंट से जो है अंदर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शिफ्ट होएगा और अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर लेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अब मान लो मैं बाहर एक चार्ज ले आऊँ क्यू, और उसकी वजह से अब यहाँ पे ये चार्ज जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज कर लेगा। अच्छा, इस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाला चार्ज जो है इफेक्ट नहीं होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में पढ़ा है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि इस चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो अंदर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। सेम बात कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अपोजिट में भी ट्रू है। कहने का मतलब ये, इस अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये भी इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। बात समझ आई? तो कहने का मतलब ये, जितनी भी फील्ड लाइंस इससे ओरिजिनेट हुई वो यहीं पे टर्मिनेट होंगी। अब जो ओरिजिनेट होंगी वो इस क्यू की, जो कि बाहर सरफेस है, इससे ओरिजिनेट होंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात समझ आई? तो अब इस क्यू आ गया यहाँ पे, तो इस क्यू की वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये क्यू अब अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ताकि इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों से मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, है कि नहीं? तो मैं ये देख लेता हूँ, ये क्यू आउट है और ये माइनस क्यू इन है, ये क्यू इन है। ओके, दो चीज़ जो है मैं लिख रहा हूँ कि जो ये बी पॉइंट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो ई एट बी जो है वो ज़ीरो है,
वो है किसकी किसकी वजह से, पहले वो देख लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्यों इनकी वजह से जो हमने रखा है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है माइनस क्यू इंड्यूस जो हमने उसके अंदर इंड्यूस हुआ है इस सरफेस पे, ठीक है। प्लस किसकी वजह से, इस क्यू आउट की वजह से। ई जो है वो क्यू आउट जो बाहर रखा है मतलब सरफेस पे जो चार्ज है, प्लस जो ई क्यू रखा जो एक्सटर्नल चार्ज है। ओके, इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ना भी होते तो भी इन दोनों की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड जो है वो ज़ीरो होती। दैट इज़ द होल पॉइंट। तो इन दोनों की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, दोनों का सम। ऐसे ही उन दोनों का सम भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ आई? तो है क्या कि अंदर वाले सरफेस के चार्ज को अंदर वाला चार्ज ही अफेक्ट करेगा। उस सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बात इस पे डिपेंड करती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो और इसकी पोजीशन कहाँ पे है। एक नंबर दो, बाहर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि बाहर चार्ज कितना रखा है और किस पे कितनी डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, हाँ नेट चार्ज तो कंडक्टर पे कभी चेंज नहीं होगा, जितना है वो उतना ही रहेगा। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, नेट चार्ज को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग दोनों सरफेसेस पे, इनर सरफेस और आउटर सरफेसेस पे, वो किसकी वजह से जो है वो अफेक्ट होगा। आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ इस चार्ज क्यू की वजह से इफेक्ट होगा। ये पास आएगा तो यहाँ पे ये जो है प्लस चार्ज वो पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा उधर ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, इधर कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसको दूर ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन इन आउट करने से सिर्फ बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, अंदर वाला सिर्फ अंदर। तो ये दो दुनिया है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये दो अलग अलग वर्ल्ड हैं। बाहर वाले के साथ ये सरफेस वाला जो है डील करता है, अंदर वाले कैविटी वाले के साथ अंदर वाला सरफेस डील करता है। उस अंदर वाले सरफेस का बाहर से कोई लेना देना नहीं है और बाहर वाले का अंदर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो बस समझने वाली है इसमें। ओके, अब जो है एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होती है? अर्थ कर देते हैं हम किसी को भी, है ना, वो चार्ज चला जाता है। एक्चुअली है क्या कि हम दो कंडक्टर को जब टच करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ जो है वो चार्ज फ्लो करता है। इस पे क्यू है मान लो, इस पे क्यू वन है, इस पे क्यू टू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्यू चार्ज फ्लो करता है, और कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दस यही चीज़ जो है वो अर्थ के साथ होती है। अगर मान लें अपने पास यहाँ पे एक अरे स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल मान लेते हैं, ये प्लस क्यू है इस पे, इसकी रेडियस क्या है? आर। तो इसकी रेडियस जो है वो है आर, इस पे चार्ज क्यू है। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? अर्थ के साथ। अर्थ क्या है अपना? अर्थ जो है वो बड़ा कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर ही है। अब कब तक चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा? जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज जो है वो क्यू था, तो यहाँ से निकल के क्यू चला गया, तो पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, तो यहाँ कितना बचा? क्यू माइनस क्यू, और वहाँ पे कितना आ गया? क्यू। तो अगर यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल सेम करते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? कि क्यू माइनस क्यू बाय आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा? कि क्यू बाय आर ई। तो यहाँ से अब क्यू की वैल्यू देखो, फाइंड आउट करो क्या आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू इक्वल टू आर क्यू, और ये क्या हो जाएगा? आर ई मल्टीप्लाई में है, तो क्यू की वैल्यू आएगी क्यू टाइम्स आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस आर। अब देखो अर्थ की रेडियस क्या है? काफ़ी बड़ी है,
ऑब्वियस ही बात है यार, किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर के आप लोगे जितना भी, उससे तो काफ़ी बड़ी रेडियस है अर्थ की, 6400 किलोमीटर। ओके, तो उस केस में आर ई क्या है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब आर जो है नेगलेक्ट हो सकता है आर ई के कंपेरिजन में, तो क्यू की वैल्यू क्या आई, नियरली इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब जितना चार्ज था इस सरफेस पे वो पूरा का पूरा फ्लो कर गया अर्थ पे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या ये है कि हमेशा ही पूरा का पूरा चार्ज फ्लो करेगा, नहीं, वो सिर्फ यही कंडीशन फॉलो करेगा कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए, और अर्थ का जो रेडियस काफ़ी बड़ा है तो इसका पोटेंशियल जो है कभी करीबन ज़ीरो रहता है। ओके, अर्थ जो है वो, उसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो रहता है। तो अर्थिंग मीन्स क्या हुआ, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो आपने जिस भी सरफेस को अर्थ किया है उसका पोटेंशियल जो है ज़ीरो हो जाएगा, ना कि उस पर नेट चार्ज ज़ीरो। वो डिपेंड करता है सिचुएशन सिचुएशन पे, कई बार जो है ज़ीरो होगा, कई बार ज़ीरो नहीं होगा। देख लेते हैं कि इस कंडीशन में ज़ीरो होगा नहीं, एग्जांपल देख लेते हैं अभी। तो है क्या कि मान लें मैं इसको जो है वो ऐसा कुछ ले लूँ कि यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक कंडक्टिंग है, न्यूट्रल है। ओके, इससे डिस्टेंस यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, और ये डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं कितनी है, ये 4R कंसिडर कर लो, इसकी रेडियस R है, और मैंने इसको अर्थ कर दिया, तो अर्थिंग का सिंबल ये है, ठीक है। तो है क्या, इस पे पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए सरफेस पे। तो कंडक्टिंग क्या है, कंडक्टिंग शेल है। अच्छा, ये बात समझ आती है कि कंडक्टिंग शेल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके सेंटर पे होगा, है कि नहीं। ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इक्विपोटेंशियल रीज़न है ये। तो उस केस में यहाँ से यहाँ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सेम होगा सरफेस का, तो जो सेंटर का पोटेंशियल है वही जो है सरफेस का। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस पे चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू की वैल्यू क्या होगी जो इस पे होगा। मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो देख लेते हैं इस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर। सिंपली इसके सरफेस पे चार्ज है और वो क्यू है, तो उसके अंदर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, तो इसकी वजह से के क्यू बाय आर होगा। प्लस इसकी वजह से क्या होगा, के क्यू बाय 4R, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के। तो मैंने क्या किया, मैंने सरफेस पे पोटेंशियल ज़ीरो करना था तो मैंने सेंटर पे कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे पोटेंशियल होगा। तो सेंटर पे इसकी वजह से क्यू की वजह से के क्यू बाय 4R होगा, इस सरफेस वाले चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर होगा, और ये ज़ीरो। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आई, ये मेरे ख्याल से माइनस क्यू बाय 4 आई थिंक, हाँ ठीक है। तो इतने कूलम चार्ज जो है इस स्फेरिकल शेल पे नेट चार्ज होगा, तो ये नेट चार्ज है। ओके, नेट चार्ज ही होगा, इतना ही चार्ज होगा। ओके, तो अब इस पे चार्ज ज़ीरो नहीं है, लेकिन क्या कंडीशन है, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। तो हर केस में आपको यही देखना है कि कहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो होगा, कहाँ का नहीं होगा। तो उस केस में आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि मान लो मैंने ये दो सरफेसेस ले लिए, ठीक है, तो बाहर चार्ज जो है वो यहाँ की रेडियस ए है, यहाँ की रेडियस जो है वो बी है, और यहाँ पे चार्ज जो है वो यहाँ पे चार्ज कितना लें, चलो नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। बाहर चार्ज जो है वो मान लो क्यू है, तो मुझे बताना है कि इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो मैं फाइंड आउट करना है, करना क्या है कि इस पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो करना है इस सरफेस पे। ओके, तो ये दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं, ठीक है, कंडक्टिंग शेल हैं, ये भी हैं ये भी, तो ये ट्राई करो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब कंडक्टिंग प्लेट्स वगैरह आ जाएंगी। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है।